तो यार मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड ब्रांड नहीं है ये, आप लोगों को चाहिए से अपना पैसा जाया ना करो। बिकॉज एज ए स्किन केयर इन्फ्लुएंसर मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि यार आप लोगों को एजुकेट करूँ कि कौन से इंग्रेडिएंट किस तरह से वर्क करते हैं, देन कौन सी प्रोडक्ट पे आपको पैसा लगाना चाहिए, देन कौन से प्रोडक्ट पे नहीं लगाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, हे ब्रोस, वेलकम टू माय चैनल वी टॉक अबाउट स्किन केयर स्टाइलिंग एंड ग्रूमिंग। अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग एक पाकिस्तानी ब्रांड का रिव्यू करने जा रहे हैं जो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं एज एन बेस्ट प्रोडक्ट फॉर फंगल एक्ने एंड सिस्टिक एक्ने। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मुझे काफी टाइम तक जो है ना फंगल एक्ने का और सिस्टिक एक्ने काफी टाइम तक इशू रहा, एंड देन मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट टेस्ट एंड ट्राई की कि यार किस तरह से जो है ना ये ठीक हो। तो जो है ना बेसिकली जो है ना जब मुझे मेरी नजर इन प्रोडक्ट्स पे पड़ी तो मैंने कहा यार क्यों ना इसको जो है ना ट्राई किया जाए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात बता दूं कि मैं जो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं करता, मैं अपनी ऑडियंस के साथ बहुत ज्यादा जेन्युइन हूँ, रियल हूँ। मैं उनको वही प्रोडक्ट्स गाइड करता हूँ, शेयर करता हूँ उनके साथ जिनसे मुझे रिजल्ट आई या जो वो यूज करेंगे तो उनके जो है ना स्किन कंसर्न को ट्रीट करेगी। और बहुत से लोग जो है ना वो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं कि सर हम लोगों ने आपकी बताई हुई प्रोडक्ट्स को यूज किया, हमें रिजल्ट है, एंड देन फर्दर रिकमेंडेशन भी लेते हैं। अच्छा, अगर बात करें हम लोग तो ब्रांड का नाम है एक्यूफिक्स कॉस्मेटिक्स। अच्छा, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके इंस्टा पेज पर जाओगे ना तो आप देखोगे कि यार सारी पेड प्रमोशन हुई हैं, या सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो इनके प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं, सारे जो फेमस टिकटॉकर्स हैं वो इनके प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं। नजदीक जो वो है ना वो सारा पेड कॉन्टेक्ट होता है, बिकॉज सेलिब्रिटीज जो है ना वो आपको पता है किस किस लेवल के ट्रीटमेंट्स लेते हैं, जब भी जो है ना उनकी स्किन मोस्ट परफेक्ट लुकिंग कंडीशन में होती है। तो यार आज से 4-5 महीने मैंने इन प्रोडक्ट को जो है ना ट्राई करना यूज किया, मैंने कहा यार क्यों ना इन प्रोडक्ट को ट्राई किया जाए। तब मुझे फंगल एक्ने का काफी ज्यादा इशू था तो मैंने कहा क्यों ना इन प्रोडक्ट को ना एक चांस दिया जाए। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि यार जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करो तो इंग्रेडिएंट लिस्ट देख कर बाय करो। तो यार मैंने देखा जब इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट तो मुझे क्वाइट सही लगी कि हाँ यार चलो अच्छा है, क्वाइट अच्छी इंग्रेडिएंट लिस्ट है तो क्यों ना प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट किया जाए। तो मैंने जो थी ना इनके तीन प्रोडक्ट ट्राई आउट किए हैं। दी फर्स्ट प्रोडक्ट इज देयर हाइड्रेटिंग जेंटल डेली क्लींजर। अच्छा, अगर आपको प्रोडक्ट्स अंदर से दिखाऊं तो यार सबसे ज्यादा जो मैं डिसअपॉइंटेड हुआ ना प्लास्टिक ट्यूब जिन लोगों ने यूज किया, तो जिस वजह से जो है ना मुझे इनकी ब्रांडिंग इतनी नॉर्मल लगी है, जबकि इन लोगों ने मार्केटिंग पर अच्छा खासा पैसा लगाया, तो यार आप लोगों को ब्रांडिंग पे भी थोड़ा पैसा लगाना चाहिए था। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। अगर हम लोग इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें इंक्लूड है ओट्स को। ओट्स में से क्या कलेक्ट करते हैं, आपकी जो स्किन ड्राई स्किन का अगर आपको इश्यू है तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। उसके अलावा जो है ना अगर आपको रेडनेस का इशू, आपकी स्किन सेंसिटिव है उसको ट्रीट करते हैं, और अगर आपको एक्जिमा का इशू है उसको ट्रीट करते हैं। अब इसमें ऐड किया गया ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट को। ग्रीन ट्री जैसे आपको पता है एक एंटी ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है जिस जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूवी रेडिएशन। इसके बाद इसमें इंक्लूड है एलेंडोन। एलेंडोन बेसिकली नेचुरली हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो हमारी स्किन को जो है ना जब हमें कोई बॉन्ड वगैरह है उसको हील करने में जो है ना हमारी मदद करता है। इसमें इंक्लूड है ग्लिसरीन और लैक्टिक एसिड। ग्लिसरीन क्या करता है, एक ह्यूमेक्टेंट है जो एनवायरमेंट में से मॉइस्चर कैप्चर करके आपकी स्किन को प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इसमें इंक्लूड है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या करता है, एक एक्सफोलिएंट है जो आपकी स्किन में से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। अच्छा, ये तो हो गई इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात। अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो मैं कहूंगा यार 10 आउट ऑफ जो है ना 6 जो है ना इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है। बट जो सबसे एलिजेंट जो बात खत्म होती है ना वो सारी होती है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन पे एंड प्रोडक्ट की फीलिंग पे, या कि वो उस प्रोडक्ट से आपको रिजल्ट आ भी रहे हैं करें। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्पेसिफिकली इस क्लींजर की बात करूँ तो यार जब मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया तो ये इतना एक नॉर्मल क्लींजर है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मेरी स्किन से ना ये सही तरह से ना डस्ट भी रिमूव नहीं कर पा रहा। वैसे तो बिल्कुल जेंटल क्लींजर है, इतना जेंटल है कि आपको फील ही नहीं होता कि आपने फेस वॉश या कोई जो है ना क्लींजर यूज भी किया है। आपकी स्किन डल लुकिंग ही रहती है फेस वॉश करने के बाद भी, एंड देन जो है ना आपकी स्किन पे जो है ना थोड़ी सी अगर मैं कहूँ तो स्लोपी फील आती रहती है, ऐसा लगता है कि जो आपकी स्किन है ना थोड़ी सी ऑयली हुई हुई है। तो अगर जहां तक मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, इंग्रीडियंट लिस्ट चाहे अच्छी है या नहीं है, बट जो प्रोडक्ट है ना वो मुझे इतनी पसंद नहीं है जिस वजह से आप लोग देख रहे हो कि मैंने इतना ज्यादा इसको यूज किया वो डिसकंटिन्यू कर दिया। सो मेरी तरफ से अगर प्रोडक्ट की बात करो ना तो क्वाइट नॉर्मल प्रोडक्ट है, एंड देन जिस लिहाज से इसकी प्राइस रेंज है उसमें ये बिल्कुल भी जो है सूटेबल नहीं है मार्केट में। इसके अलावा बहुत फर्दर ऑप्शन है, ब्रांड अपनी ज्यादा हाइप कर रही होती है ना तो लाजमी नहीं है कि उसकी प्रोडक्ट्स भी अच्छी हो, एंड देन लाजमी नहीं है कि आप उनके प्रोडक्ट को बाय करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर मैंने आपको रिव्यू शेयर करूँ तो आपको जरूरत नहीं है उन प्रोडक्ट्स को बाय करने की अगर उनका कोई रिजल्ट नहीं है। सेकंड ऑफ ऑल जो सबसे ज्यादा इनके प्रोडक्ट की हाइप है ना वो है इस देयर सैलिसिलिक एसिड पोर क्लींजिंग इमल्शन। अच्छा, अगर मैं आपको अंदर से दिखा दूं तो अंदर से एक छोटी सी ट्यूब में आपको मिलेगा, वही सेम पे प्लास्टिक बोतल है। अच्छा, अब इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या सैलिसिलिक एसिड है, एक वन ऑफ माय फेवरेट जो है ना इंग्रेडिएंट है, वो क्या करता है आपकी स्किन को क्लींस करता है, आपके पोर की डीप क्लींसिंग करता है। स्पेशली बेस्ट इंग्रेडिएंट है इफ यू हैव ऑयली स्किन। उसके अलावा क्या करता है, डीप आपके पोर्स में जाते हैं, आपकी स्किन को जो है ना एक्सफोलिएट करता है, एंड देन स्किन में से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। इंग्रेडिएंट इसमें है वो यूरिया। यूरिया क्या करता है, हेल्प कीप स्किन हाइड्रेटेड, आपकी स्किन को जो है ना हाइड्रेटेड रखता है, आपकी स्किन में से है ना
वाटर रिटेंशन को नहीं होने देता, आपकी स्किन को जो है ना मॉइस्चराइज रखता है। देन इसमें है पैंथेनॉल। पैंथेनॉल क्या करता है, आपकी स्किन के अंदर ना वाटर को होल्ड रखता है, या एनवायरमेंट में से जो है ना मॉइस्चर कैप्चर करके आपकी स्किन को देता है। बकाया इसमें इंग्रीडियंट है जैंथम गम वगैरह, वो प्रोडक्ट की कंसिस्टेंस वगैरह के लिए, उसके अलावा जो है ना ये बेसिकली एक्टिव इंग्रीडियंट थे। अच्छा वही बात, अगर इसकी बात करें ना कि इसके रिजल्ट कैसे, तो यार वन ऑफ ये घटिया प्रोडक्ट है, इनकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार। ये इतने जब आप इसको लगाओगे ना तो आपकी स्किन पे ऐसा, क्योंकि जो एक्ने प्रोन स्किन होती है ना, इज द मोस्ट सेंसिटिव स्किन, तो जब मैंने इसको ट्राई आउट किया तो मुझे ऐसे लगा कि यार जो है ना मेरी जो स्किन है ना वो बर्न होने लगी है, बर्निंग सेंसेशन फील हो रही थी। मुझे लगा कि क्या पता यार मेरी स्किन वैसी सेंसिटिव हुई भी है तो इस वजह से इशू हो रहा, बट मैंने इस प्रोडक्ट को चलो फिर भी कंटिन्यू किया, एक दिन दो दिन तीन दिन हफ्ता 10 दिन, बट वो जैसे ही प्रोडक्ट अप्लाई करते थे ना तो वो बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट होना हो जाती थी फील। एंड देन उसके अलावा क्या हुआ, इस प्रोडक्ट ने मेरी स्किन को और डैमेज कर दिया, मेरी स्किन को इतना सेंसिटिव कर दिया कि मैं जब भी कोई और प्रोडक्ट यूज कर रहा था ना तो मुझे बर्निंग सेंसेशन फील होती, चाहे अगर मैं सिंपल सा कोई भी फेस वॉश भी यूज कर रहा होता था ना तो स्किन में ऐसा करता था जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है और मेरी स्किन रेड होने लगी। तो मतलब उसके बाद ये था कि मैंने एक महीने के लिए कोई भी स्किन प्रोडक्ट यूज नहीं की ताकि जो मेरी जो है ना वो स्किन कंडीशन दोबारा जो है ना वो नॉर्मल कंडीशन में आए। तो यार ये मेरी तरफ से बिल्कुल भी है ना रिकमेंडेड प्रोडक्ट नहीं है। अगर आपको अपने, अगर आप फेवरेट कोई भी प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो ना, सैलिसिलिक एसिड से कर सकते हो, पोलर चॉइस का 2% सैलिसिलिक एसिड टोनर, वो बेस्ट है, वो आपके हर एक स्किन कंडीशन को ट्रीट कर देगा। बट ये जो इनके प्रोडक्ट है ना, इज द मोस्ट डिस्गस्टेड प्रोडक्ट आई हैव एवर यूज्ड। अच्छा थर्ड प्रोडक्ट की बात करें तो वो है इट्स देयर एक्वा हाइड्रा हाइड्रेटिंग जेल क्रीम। अब इसके भी इंग्रीडियंट्स की बात करें तो बिल्कुल सिंपल इंग्रीडियंट लिस्ट है, इतनी कोई ज्यादा फैंसी नहीं। क्या यूरिया, यूरिया क्या करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। देन इसमें इंक्लूड है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या करता है, एक ह्यूमेक्टेंट है जो एनवायरमेंट से मॉइस्चर कैप्चर करके आपकी स्किन को प्रोवाइड करते हैं, देन आपकी स्किन में से वाटर रिटेन नहीं होने देता। देन इसमें है एलेंटोइन। एलेंटोइन जैसे मैंने क्या क्या होता है, एक हीलिंग इंग्रीडियंट है जो आपकी स्किन पर अगर आपको कोई भी जो है ना जख्म वगैरह हुआ हुआ, खराश वगैरह पड़ी है तो उसको हील करने में जो है ना आपकी मदद करते हैं। ठीक है, हनी में बेसिकली एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है फंगस से, बैक्टीरिया वगैरह से। अच्छा अब वही बात, इंग्रीडियंट लिस्ट तो नॉर्मल है, इंग्रीडियंट लिस्ट की बात करें तो मैं इसको 10 में से 5 नंबर दूंगा, बट वही बात फिर एडियंट सारी बात खत्म होती है कि प्रोडक्ट के आपको रिजल्ट्स आ भी रहे कि नहीं, चाहे इंग्रीडियंट जितने मर्जी अच्छे हों। अच्छा अगर इसकी बात करें तो यार एक बिल्कुल नॉर्मल सा मॉइस्चराइजर है, इसमें कोई ऐसा सच कोई साइकी नहीं है कि यार हाँ इतना कोई फैंसी आपकी स्किन को ये कर देगा, आपकी एक्नी खत्म कर देगा, आपको एक्नी के बाद दोबारा एक्नी होने नहीं देगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, प्लम्प करेगा। बल्कि इसमें आई थिंक पता नहीं क्या ऐसा इंग्रीडियंट यूज किया गया है कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल मजे की नहीं है। एंड देन इसमें जो है ना कोई शार्प सा ना एक ऑब्जेक्ट आता है जो जिससे फील होता है कि जो आपकी स्किन है ना वो छिली जा रही है। तो मुझे जब मैंने यूज किया ना तो मेरी स्किन, मैंने जैसे बताया कि वो इमल्शन की वजह से मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव हो गई थी, जिसको मैं जब ये यूज करता था वो बर्निंग सेंसेशन और ज्यादा हो जाती है। देन इसके अलावा जो इसमें फॉर्मुलेशन है पता नहीं इतना यूज किया गया कि वो एक हार्ड सी फीलिंग करती थी आपको। सो मेरी तरफ से भी जो है ना ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड प्रोडक्ट नहीं है। तो यार बस मैंने ना अपने 3 इन्हीं प्रोडक्ट पे पैसे जाया किए हैं इस वजह से ताकि आप तुम लोगों के पैसे जाया ना हो। तो यार मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड ब्रांड नहीं है ये, आप लोगों को चाहिए अपना पैसा जाया ना करो। एंड देन ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो, एंड देन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मैं जो है ना आप लोगों के खातिर जो है ना अपना पैसा लगाता हूँ, बिकॉज एज ए स्किन केयर इन्फ्लुएंसर मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि यार आप लोगों को एजुकेट करूँ कि कौन सी इंग्रीडियंट किस तरह से वर्क करते हैं, देन कौन सी प्रोडक्ट पे आपको पैसा लगाना चाहिए, देन कौन से प्रोडक्ट पे नहीं लगाना चाहिए। यार दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दे दूंगा, फॉलो मी इंस्टाग्राम। ओके टेक केयर, हाफिज़।